मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने सारे मेरे जो पिछले 3 हफ्ते में मैंने वीडियोस अपलोड किए, उसे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किया, आपने बताया मेरी कमियों को, मेरी ताकत को, मेरी सारी हिम्मत को। थैंक यू फॉर वेरी मच। एंड सेकेंडली, आज मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ, आप लाइव वीडियो कर रहा हूँ ताकि आपको आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर सकूँ जो आपने डिमांड दिखाई थी मुझे कुछ कमेंट्स में, मुझे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, आप सभी ने बोला, कॉल करके बोला कि भैया या यार मुझे वो पोएम चाहिए, वो पोएम अपलोड करो, वो पोएम अपलोड करो। थैंक्स, वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये पोएम महज अब सिर्फ पोएम ही है, यानी चंद पंक्तियाँ ही हैं मेरी, क्योंकि ये पोएम किसी एक की ख्वाहिश थी, उसने मुझसे कहा था कि ये लिखो, मुझ पे कुछ लिखना कभी अगर पॉसिबल हो तो। मैंने वो पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करने की कोशिश की थी, अपनी हिम्मत को दिखाने की कोशिश की थी उस पर लिखकर। आज वो साथ नहीं है, उसकी तन्हाई है। तो खैर, जो भी हो, वो पोएम आपके सामने कि एक लड़की अजनबी सी, एक लड़की अजनबी सी देख मुझे बस वो हंसती थी, मानो 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 मैं पागल हूँ या है वो कुछ दीवानी सी। एक लड़की अजनबी सी मुझसे बातें करने को सोच रही, पर थी वो कुछ शर्माई सी। मेरी तारीफ कर बना गई मुझे कुछ दीवाना सा, एक लड़की अजनबी सी देख मुझे बस वो हंसती थी। उसकी मुस्कुराने की अदा, वह शर्माने की अदा, कर गई घायल मुझको उसकी ये सभी अदा। दोस्त वो कब बन गई पता नहीं चला, पास वो कब इतनी आ गई पता नहीं चला, हो गया कब दीवाना मैं पता नहीं चला, मन ही मन चाहने लगा कब उसे पता नहीं चला। एक लड़की अजनबी सी देख मुझे बस वो हंसती थी। बहुत 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 सीधी है वो, है थोड़ी शैतान, है सब जानती मगर बनती थोड़ी अनजान। शिकायतें करूं कि करूं कुछ बातें, इतनी इतनी समझ रखने की बात भी समझ नहीं पाया उसकी इरादे। एक लड़की अजनबी सी देख मुझे बस वो हंसती थी, मानो मैं पागल या है वो कुछ दिवाली। थैंक यू वेरी मच। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बस। थैंक यू।